आम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, हुकूमत का इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ कौमी बयानियाँ सामने लाने का फैसला। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें कुल 9 नुकाती एजेंडा इस पर गौर किया जा रहा है। लेकिन जो अहम इंपॉर्टेंट नुकता जो अभी काबीना इजलास से पहले शामिल किया, वो यह कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ जो कौमी बयान है, तो अमल दराम से मुतालिक कौमी कमीशन बनाने की आज काबीना जो है वो मंजूरी देगी। और ये फैसला किया गया है इस पर जो है उद्या की जानब से जो ऑपरेशन से मुतालिक भी इजलास में गौर होगा। उसके अलावा काबीना को तकरीर और ग्रांट के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। डी टैप को रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रांट बॉडी नोटिफाई करने की इजलास में मंजूरी दी जाएगी। वजारत दाखिला मुख्तलिफ किस्म तहकीकात के लिए इजाजत मांग रही समरी आज का मिला इजलास में पेश, साथ साथ फार्मेसी काउंसिल की तशकील हमदर्दी के मामले पर किया जाएगा। उसके अलावा वफाकी काबीना जो है मुल्की सियासी जो समाज माशी सूरत हाल का जो है वो जायजा लेगी। जो 28 अक्टूबर के ACC का फैसला है उसकी तस्दीक जो है वो आज के इजलास में की जाएगी। साथ साथ सियासी मामला जो PTM का बयानिया है उसको काउंटर करने के लिए आज के इजलास जो है तय की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, हुकूमत का इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ कौमी बयानियाँ सामने लाने का फैसला। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें कुल 9 नुकाती एजेंडा इस पर गौर किया जा रहा है। लेकिन जो अहम इंपॉर्टेंट नुकता जो अभी काबीना इजलास से पहले शामिल किया, वो यह कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ जो कौमी बयान है, तो अमल दराम से मुतालिक कौमी कमीशन बनाने की आज काबीना जो है वो मंजूरी देगी। और ये फैसला किया गया है इस पर जो है उद्या की जानब से जो ऑपरेशन से मुतालिक भी इजलास में गौर होगा। उसके अलावा काबीना को तकरीर और ग्रांट के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। डी टैप को रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रांट बॉडी नोटिफाई करने की इजलास में मंजूरी दी जाएगी। वजारत दाखिला मुख्तलिफ किस्म तहकीकात के लिए इजाजत मांग रही समरी आज का मिला इजलास में पेश, साथ साथ फार्मेसी काउंसिल की तशकील हमदर्दी के मामले पर किया जाएगा। उसके अलावा वफाकी काबीना जो है मुल्की सियासी जो समाज माशी सूरत हाल का जो है वो जायजा लेगी। जो 28 अक्टूबर के ACC का फैसला है उसकी तस्दीक जो है वो आज के इजलास में की जाएगी। साथ साथ सियासी मामला जो PTM का बयानिया है उसको काउंटर करने के लिए आज के इजलास जो है उसमें असेंबली तय की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, हुकूमत का इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ कौमी बयानियाँ सामने लाने का फैसला। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें कुल 9 नुकाती एजेंडा इस पर गौर किया जा रहा है। लेकिन जो अहम इंपॉर्टेंट नुकता जो अभी काबीना इजलास से पहले शामिल किया, वो यह कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ जो कौमी बयान है, तो अमल दराम से मुतालिक कौमी कमीशन बनाने की आज काबीना जो है वो मंजूरी देगी। और ये फैसला किया गया है इस पर जो है उद्या की जानब से जो ऑपरेशन से मुतालिक भी इजलास में गौर होगा। उसके अलावा काबीना को तकरीर और ग्रांट के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। डी टैप को रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रांट बॉडी नोटिफाई करने की इजलास में मंजूरी दी जाएगी। वजारत दाखिला मुख्तलिफ किस्म तहकीकात के लिए इजाजत मांग रही समरी आज का मिला इजलास में पेश, साथ साथ फार्मेसी काउंसिल की तशकील हमदर्दी के मामले पर किया जाएगा। उसके अलावा वफाकी काबीना जो है मुल्की सियासी जो समाज माशी सूरत हाल का जो है वो जायजा लेगी। जो 28 अक्टूबर के ACC का फैसला है उसकी तस्दीक जो है वो आज के इजलास में की जाएगी। साथ साथ सियासी मामला जो PTM का बयानिया है उसको काउंटर करने के लिए आज के इजलास जो है उसमें असेंबली तय की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।